फ़र्ज़ ये है कि हमारे कुछ जिम्मेदार इस्लामी भाई जो मदनी माहौल के साथ वस्तर थे अजीर भी थे यानी किसी न किसी शोबे में अजीर थे कुछ ऐसे मौके बने जिनकी वजह से वो अजीर ना रहे अब घर में हैं जब उन्हें इजमा में दावा दी जाती है आने की इजमा में भी नहीं हो आ पा रहे और बाद अवत ऐसा होता है कि वो नमाज़ों से भी महरूम हो गए हैं आप इनकी कुछ तबीयत फरमा दें कि वो नमाज़ की पाबंदी भी करें और कम अज़ कम मदी माहौल से वाबस्त हो रहें अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम पर दीन पर सुनीत पर अमीर असन्नत की ग़ुलामी पर दावत इस्लामी पर इस्तामत हताफ़रमा इस्तामत करामत से बढ़ कर तो अमाम इस्तकामत अच्छा बाज जिम्मेदार होते हैं जब तक उस वक्त तक इमामा भी बांध रहे होते हैं जुल्फें भी रखी होती हैं अब जिम्मेदारी से गए तो इमामा भी गया तो जुल्फे भी गई अरे भी खुदा का खौफ करो क्या इमामा ज़िम्मेदारी की वजह से बांधा था हमने तो सुन्नत की सब वजह से बांधा हुआ है हम तो इमामा इसलिए पहनते हैं कि नबी की सुन्नत है हमने दाढ़ी इसलिए थोड़ी रखी है कि भाई शुरा की रुकनीत मिली हुई दाढ़ी तो रखनी पड़ेगी भाई नहीं ये तो नबी की सुन्नत है हमने इसलिए जुल्फे थोड़ी रखी हुई है कि भाई रुकने छू रहा हूँ तो भाई गाड़ी जुल्फे तो रखनी पड़ेंगी ना भाई है ना सफेली सफेलीबाज तो पहनना पड़ेगा ना निश्वाक भी रखनी पड़ेगी वरना लोग क्या कहेंगे भाई लोगों के लिए अमल नहीं करना अल्लाह रसूल के लिए करना है तो इमामा जुल्फे दर्स बयान ये तो भाई सब नेकी के काम हैं जिम्मेदारी हो या ना हो ये काम करने चाहिए समझे ये नादानी है कि जिम्मेदारी है तो इज्तम में आ रहे हैं ज़िम्मेदारी है तो इज्तिमा में आने ही बंद हो गए अच्छा अजीर हैं तो अब इज्तिमा में भी आएंगे मशवरों में भी आएंगे इजारा ख़त्म हो गया तो उससे भी गए अल्लाह के बंदे इजारा होना ना होना अपनी जगह पर है और ये दिन के काम है खैर के काम है सलामती के काम है इसके अंदर क्यों सुस्ती करते हैं अलहदुल्ल दावत इस्लामी वाले नमाजों में सुस्ती और गफलत नहीं करते कोई इक्का दुक्का जो उन्होंने बताया कोई एक आध को ऐसा केस होगा वरना दावत इस्लामी वाले तो जहाज़ों में नमाज पढ़ रहे होते हैं ट्रेनों में नमाज पढ़ रहे होते हैं कोच सफर ये वो नमाज नहीं छोड़ते अलहमद हमें ऐसा नहीं करना और जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ नरमी से पेश आना है उनको समझाना है उनको बताना है कि भी सारे नेकी के काम हैं नमाज हमारे लिए पढ़ते हो अपने लिए पढ़ते हो ना भाई अपने लिए पढ़ते हो तो पढ़ते रहो यार दाढ़ी नबी की सुन्नत और नबी की मोहब्बत के तौर पे रखिए तो भी रखो ना अब क्या हो गया इसी तरह दिगर नेकी के काम तो समझाते रहे नरमी के साथ ऐसे लोगों से में रहें मिसाल के तौर पर आपके यूसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट निगरान आए उनको बुला लें कि आज माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट निगरान आए में आए आपको ज्यारत कराते हैं आपकी मुलाकात कराते हैं और डिस्ट्रिक निगरान या डिवीजन निगरान जो उनको भी बता दें कि ये स्नाम भाई पहले आते थे अब नहीं आते तो वो जरा शफकत दें कुछ मोहब्बत दें साथ बैठकर खाना खा लें को तहव दे तो करीम ये भी आस्ता आहिस्ता माइल हो जाएंगे शैतान हमारा दुश्मन था दुश्मन है वो छोड़ेगा नहीं ईमान सलामत लेकर जाएंगे फिर राहत पाएंगे शैतान से अल्लाह की पना अल्लाह हम सबको शैतान से बचाए